विधानसभा रुदौली की आदर्श नगर पालिका परिषद रुदौली में इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से राकेश गुप्ता को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने चार बार रुदौली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे जब्बार अली को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। राकेश गुप्ता के साथ विधायक रामचंद्र यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान साधना न्यूज संवाददाता पुनित मोहन ने रुदौली विधायक रामचंद्र यादव व चेयरमैन पद प्रत्याशी राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। विधायक रामचंद्र यादव ने दावा किया है कि आज रुदौली भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के चलते पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यहां और आसपास भी अब कोई ऐसा गुंडा नहीं बचा है जो यहां के व्यापारियों से वसूली कर सके। महिला व बेटियां रात में भी सुरक्षित अकेली सड़कों पर निकल सकती हैं। हम लोगों के बीच में हमारी सरकार के कार्यों को लेकर जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जीत होगी। आदर्श नगर पालिका परिषद रुदौली से संवाददाता पुनीत मोहन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट समर की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की जितनी सीटें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन जो चुन करके आए वो बीजेपी के चुन करके आए। इस वक्त हम आदर्श नगर पालिका परिषद रुदौली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो तीसरी बार के विधायक हैं रामचंद्र, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके साथ जो प्रत्याशी हैं राजेश गुप्ता, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरी सभा लगी हुई है, लोगों से फोन पर बातचीत करी जा रही है, एक रणनीति तैयार करी जा रही है। हम आप दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, काफी मेहनत कर रहे हैं आप। सुबह मैंने गाड़ी आपकी सैदपुर के पास देखी और अब इस वक्त आप रुदौली में हैं, लेकिन यहाँ पर जब्बार अली चार बार से चेयरमैन चुनते हुए आए हैं, ऐसे में राजेश गुप्ता जी के साथ कैसी उनकी फाइट रहेगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के आज देश और प्रदेश की सरकारों की जो उपलब्धियां हैं, जो गांव के गरीब से लेकर के शहर के गरीबों तक चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के ही हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। आज रुदौली नगर पालिका में 3000 से ज़्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। रुदौली नगर पालिका क्षेत्र की कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है जहां पर हमने डूडा से सूडा से काम न कराया हो। और रुदौली नगर पालिका की चारों तरफ की जो हमारी सड़कें हैं उन सड़कों को हमने चौड़ा कराया है। आज रुदौली नगर पालिका का जो प्रवेश द्वार था जिससे निकलते समय लोग जाम में फंसते थे, जाते समय जाम में फंसते थे, तहसील हो, ब्लॉक हो, अस्पताल हो, तो ऐसी परिस्थितियों से उनको उभारने का काम हमारी सरकार ने किया है। रुदौली का ओवरब्रिज बनवाया है, चारों तरफ से विकास के बहुत बड़े बड़े अच्छे आयाम रचे गए हैं और आज हम रुदौली नगर पालिका का चुनाव निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। रुदौली नगर पालिका का हर हाल में जो इतिहास है, निश्चित रूप से जिन लोगों के हाथ में रुदौली नगर पालिका का विकास का जिम्मा था, उन लोगों ने रुदौली नगर पालिका के दायरे में रहने वाले, चाहे वो नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे कारोबारी हो, सबको छलने और ठगने का काम किया है। जितनी लंबी पारी की बात आपने की है, चुनाव जीतने के बाद ये लोग केवल सरकारी मीटिंगों में आते हैं, उसके बाद अपना धंधा देश के बाहर भी करने चले जाते हैं, प्रदेश के बाहर भी करने चले जाते हैं और कभी रुदौली की सीमा में रहना अच्छा नहीं समझते, रुदौली की सेवा करना नहीं चाहते। और इसीलिए रुदौली में 2012 में भारतीय जनता पार्टी को एक सफलता मिली थी और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ रुदौली क्षेत्र के अंदर में, नगर पालिका क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विकास की जो गाथा देश की प्रदेश सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने रची है, आज घर घर में उसका असर है। हर तरह से लोगों के बीच में संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार दे सकती है जो भयमुक्त समाज की स्थापना कर सकती है। आज रुदौली में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी को आंख दिखा दे, आज रुदौली में किसी की हैसियत नहीं है जो किसी को कुछ कह दे, आज रुदौली का वो इतिहास नहीं है जो पहले था, आज रुदौली तरक्की कर रही है, रुदौली का कारोबार बढ़ रहा है, रुदौली के नौजवानों में पढ़ाई लिखाई का चार्म बढ़ा है, हर तरह से रुदौली का विकास हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में रुदौली में नगर पालिका के चुनाव में एक एक वार्ड में हमारा
सभासद भी जीतेगा और नगर पालिका का चेयरमैन भी जीतेगा। चलिए दावा आप कर रहे हैं विधायक जी, लेकिन कवरेज के दौरान जब्बार अली से मेरी मुलाकात हुई थी, वो तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर 100% विकास हुआ है तो 90% से उनको जाता है। चार बार से वो बता रहे थे, 95 में जब मैंने चेयरमैन के पद संभाला था तब यहाँ खड़ंजे नहीं थे, लाइटें नहीं थी, काफी कुछ मैंने कराया है और जनता पूरी तरीके से मेरे साथ में है। एक सीधी सी बात है, 2012 की रुदौली और 2012 के बाद की रुदौली, दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। 2012 के पहले यहां पर 4 घंटे बिजली आती थी और हम ही से लोग कहते थे कि भाई चलिए हम लोग सर्वदलीय धरना देंगे। मैं अभिनंदन करता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि 2014 में जब देश की बागडोर उनको मिली तो उन्होंने इस रुदौली नगर पालिका में RAP, DRP, IPDS जैसी योजनाओं को स्वीकृति दे करके करीब 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति की बिजली के क्षेत्र में आई हुई है। आज बिजली के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे में 21 घंटे मिल रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। रुदौली में विकास किस नाम से, रुदौली में पेयजल योजना जो थी वो सबसे पुरानी थी। 2017 में सरकार बनते ही 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति करा करके केवल पाइप पेयजल योजना का काम हुआ, 5 नई ट्यूबवेलें लगी, एक तरफ बिजली का, एक तरफ पानी का, और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें आप तो पूरी तरह से रुदौली के चारों तरफ की सीमाओं में आप देखेंगे तो रुदौली थाने में जाके बैठेंगे तो आज की तारीख में कोई ऐसे अपराध नहीं हो रहे हैं कि किसी व्यापारी का पैसा छीना जा रहा हो, किसी बहन बेटी को अपमानित किया जा रहा हो। आज पूरी तरह से रुदौली में सुरक्षा का भी वातावरण है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज वो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान कार्ड योजना से और मुख्यमंत्री जी की विवेकाधीन कोष योजना से अगर आप देखेंगे, आंकड़े आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि जो लोग दावा करते हैं उनके दावे अपने आप में झूठे हैं और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है आज़ादी के इन 75 वर्षों में, एक एक काम की अगर समीक्षा की जाएगी तो 2012 के बाद के जो काम है, मैंने तो इतने काम आपको गिनाए हैं। ये 2000 भेलसर रुदौली मार्ग ये 2012 के बाद का है। रोजा गांव से रुदौली को जोड़ने वाला शिवपाल जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, बहुत बड़ी गुहार लगाई थी लोगों ने, एक पैसा नहीं स्वीकृत हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का, जिन्होंने एक स्वर में हमारे कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि हमारा ओवरब्रिज बनना चाहिए, हमारा देवकाली का जो 7 किलोमीटर का मार्ग है इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, रोजागांव मार्ग का चौड़ीकरण होना चाहिए, एक मुफ्त एक साथ पैसा देकर के आज काम पूरा करा दिया। आप जब आते होंगे दिखाई पड़ता होगा, आज रुदौली के 2012 के जो काम हैं उन कामों की अगर चर्चा समीक्षा आप किसी कार्यकर्ता से करेंगे तो सब मुंह पर दर्ज है, कहीं देखना नहीं, कहीं पढ़ना नहीं, सब अपने आप लोग बोलेंगे। काफ़ी अहम जिम्मेदारी है रामचंद्र जी आपके ऊपर, क्योंकि आप विधायक हैं, कई सीटें हैं यहाँ, चाहे वो नगर पालिका की हो, नगर पंचायत की हो, और समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है विपक्ष में, क्या दावा करते हैं आप? मैं अपने क्षेत्र की तरक्की और विकास को लेकर काम करता हूँ, सेवा की भावना से काम करता हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस सेवा भाव से हमने इस क्षेत्र की जनता का, अपने क्षेत्र के नौजवानों का, अपने क्षेत्र के किसानों का, अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों का, अपने हर तबके के लोगों का हर तरह से ध्यान रखा है, उनकी सेवा की है, उसके बदले में जीत निश्चित होगी, मैं दावा नहीं करता, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए विधायक जी को तो पूरा भरोसा है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद रुदौली के राजेश गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, जब्बार अली से मुख फाइट देखी जा रही है आपकी, 4 बार से चेयरमैन है, किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग रुदौली में अभी माननीय विधायक जी ने जैसा बताया, बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है धरातल पर माननीय विधायक जी ने गिनाए, तो हम लोग तो मेन जनता के बीच में जा रहे हैं, वो विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जनता के बीच में जो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनता चाहती थी, जनता ये महसूस कर रही है कि आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी बहन बेटियां बिल्कुल महफूज हैं, हमारी बहन बेटियां रात में
चाहे दिन में कभी भी बेझिझक किसी भी स्थान से किसी भी स्थान को जाने के लिए अब वो ये नहीं सोचती हैं कि हमारे साथ परिवार का कोई बच्चा जाए, कोई भाई जाए, कोई हमारा जो है ले जाने वाला हमको साथ ले जाए, तो अब इस तरह की परिस्थितियां जनता के सामने नहीं है। राजेश गुप्ता जी, चेयरमैनी का जो चुनाव होता है उसमें क्योंकि आप लोकल हैं, यहाँ के लोकल लोगों से मिलना जुलना होता है, अगर जनता आपको चुनती है तो किस तरीके के विकास कार्य आपने सोचे हैं जो इस रुदौली नगर पालिका परिषद ने आप कराना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रुदौली नगर पालिका के इतिहास में अब तक जो काम होने चाहिए वो हुए ही नहीं हैं। आज डिजिटल युग है, जनता को इतना नहीं परेशान करना चाहिए कि वो एकदम से जो है परेशान हो जाए और काम के लिए एक काम के लिए 10 बार वो आपके दरवाजे दौड़े। यदि हमें रुदौली की जनता ये मौका प्रदान करती है तो हम नगर पालिका में इस तरह की व्यवस्थाएं लाएंगे कि लोगों को सिर्फ आवेदन करना हो, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी उनके दरवाजे जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें और उसका निदान करें। सीधे तौर पे डिजिटल युग में आप एक परिवर्तन लाएंगे, यानी कि आपके व्हाट्सएप पे कोई शिकायत आती है या नगर पालिका परिषद में एक आप ऐसा ऐप बनाएंगे जो यहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। अच्छे विचार हैं आपके। इसके साथ ही आप किससे अपनी मुख्य फाइट देखते हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा से या कांग्रेस से, किससे मुख्य फाइट देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तो फाइट फिलहाल किसी से नहीं है, जो भी लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ेगा। मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब्बार अली जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है। देखिए वो उनका मत है, वो क्या कहते हैं, सबको स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र का जो है ये देश है, यहाँ पर किसी को कुछ कहने से रोका तो नहीं जा सकता है। कुछ भी कहे, उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हम कहें उसको थोड़ा सा सोच समझ के कहें। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? अभी आपको पहले भी माननीय विधायक जी ने सारी बातें बता दी, अब उस बात को बार बार कहना ठीक नहीं होता है। पूरा समर्थन मिल रहा है जनता का? बिल्कुल। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश गुप्ता जी जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और हमारे साथ रुदौली के विधायक रामचंद्र जी भी हैं जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लगातार फोन के माध्यम से लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के विधायक हैं रामचंद्र जी, वो दावा करते हैं कि इस बार रुदौली विधानसभा में जितनी भी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत की सीटें हैं उसमें ज्यादातर में बीजेपी की जीत होगी, और यही नहीं पार्षद में भी बीजेपी के ही प्रत्याशी चुन करके सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन।